दोस्तों आज का ट्रॉफिक है एटीन फुट बाय फोर्टी फुट मतलब टोटल सेवन हंड्रेड ट्वेंटी स्क्वायर फुट का हाउस प्लान है उसमें जो थ्री में कैसे कंस्ट्रक्शन होगा उसका मॉडलिंग इंटीरियर डिटेल एक्सटीरियर डिटेल्स सब इस वीडियो में टोटल डिस्कस करेंगे एंड इस बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा होगा वो भी इस वीडियो में बताएंगे इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए टोटल वीडियो फुल वॉच कीजिए ओके दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है इसीलिए पहले हम लोग जो हाउस प्लान का प्लानिंग उसका डिटेल्स में देखेंगे ओके दोस्तों दोस्तों स्क्रीन पे जो प्लान दिखाई दे रहे ये इस बिल्डिंग का प्लानिंग है इसका जो वाइड है वो 18 फुट है एंड इसका जो लंबाई है ये 40 फुट है मतलब टोटल 720 स्क्वायर फुट है ओके एंड इधर आपका मेन गेट दिखाई दे रहा है ओके ये आपका मेन गेट इधर फोर फुट का मेन गेट दिखाई देगा गे, एंड इसका जो हाइट रहेगा वो सेवन फुट एंड इसका इधर आपका स्टेयर केस देखने को मिलेगा जो सेपरेट है उसका साइज है सिक्स फुट बाय ट्वेल्व फुट सिक्स इंच एंड दोस्तों इधर भी एक सेपरेट गेट देखने को मिलेगा एंड उसका बाद आपका ये जो पोर्शन है इसका ड्राइंग कम डाइनिंग मिलेगा इसका साइज है नाइन फुट टेन इंच बाय थर्टीन फुट एंड दोस्तों डाइनिंग से कनेक्टेड आपका मास्टर बेडरूम दिखाई दे रही है ये आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज है नाइन फुट इलेवन इंच बाय ट्व फुट एंड मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड अटैच टॉयलेट है उसका साइज है सिक्स फुट बाय फोर फुट ओके दोस्तों रूम दिखाई दे रहे हैं जिसका साइज है सिक्स फुट बाय सेवन फुट सेवन इंच ओके एंड दोस्तों डाइनिंग से कनेक्टेड आपका ये स्टडी रूम भी बोल सकते हैं ये चिल्ड्रेन बेडरूम भी बोल सकते हैं स्मॉल एरिया है ओके okay, इसका साइज है सिक्स फुट वन इंच बाय एट फुट एंड दोस्तों डाइनिंग से कनेक्टेड आपका कॉमन टॉयलेट है ये जो पोर्शन है इसका साइज है सिक्स फुट वन इंच बाई फोर फुट सेवन इंच एंड दोस्तों डाइनिंग से कनेक्टेड आपका थर्ड जो बेडरूम है ओके okay, उसका साइज है नाइन फुट इलेवन इंच बाई ट्वेल्व फुट सिक्स इंच ओके स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर डिजाइन है इसमें कितना कॉलम यूज हुआ है हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं ओके दोस्तों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व दोस्तों ट्वेल्व कॉलम यूज हुआ है एंड जो कॉलम का साइज है वो टेन इंच बाई टेन इंच एंड जो बिल्डिंग का हाइट है ये टेन फुट है ओके okay, दोस्तों दोस्तों ये जो स्टेयर दिखाई दे रहा है okay. ये स्टेयर है डॉगलेग स्टेयर ओके दोस्तों ये स्टेयर का वाइड है थ्री फुट एंड इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रेड कहते हैं मतलब इधर से इतना तक जो लेंथ है वो टेन इंच है एंड इसका जो हाइट इधर से इतना तक है वो सिक्स इंच है ओके okay. एंड दोस्तों जो प्लिन थाइट है बिल्डिंग का मतलब इधर से इतना तक है ये टू फुट है ओके दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे वो इस बिल्डिंग का कॉलम वर्क एंड ब्रिक वर्क साड़ी कंप्लीट हो गया एंड आपको जितना सारा आपका डोर विंडो ओपनिंग है ओके ऐसे आपको देखने को मिलेगा जैसा प्लान के मुताबिक जिधर आपका डोर है विंडो है ओके साड़ी आपका जो मॉडलिंग है छज्जा का ओके एंड जो फ्रंट डिज़ाइन है उसमें भी आपका डिटेल्स ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे ही आपको थ्री मॉडल में दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपको रियल में देखने को मिलेगा ओके दोस्तों तो अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये फाइनल थ्री मॉडलिंग है एंड आपका जो फ्रंट का लुक्स है ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा ओके ये आपका फ्रंट का लुक एंड और एक साइड का लुक्स है एंड दोस्तों देखिए ये एक साइड का एंड बैक का लुक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसा आपका रियल में होगा ऐसे ही आपका थ्री मॉडल में देखने को मिलेगा ओके एंड दूसरा साइड का व्यू ऐसे ही देखने को मिलेगा ओके दोस्तों इधर आपका मेन गेट दिखाई दे रहा है एंड इधर आपका वन टू थ्री स्टेप में आपका स्टेयर भी दिखाई दे रहा है ओके एंड जो मेन गेट का जो वाइड है वो थ्री फुट सिक्स इंच है एंड इस जो डोर का हाइट है वो सिक्स फुट है ओके क्योंकि स्टेयर का नीच है इसलिए थोड़ा जो मेन गेट का हाइट है थोड़ा कम होता है ओके दोस्तों मेन रोड के बाद आपको इधर स्टेयर देखने को मिलेगा जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर एंट्री होता है एंड आपका जो बिल्डिंग का सेपरेट कर देता है ओके इधर आपका डोर मिल जाएगा तो आपका जो फ्लैट सिस्टम टाइप का है रेंट देने के लिए पर्पोज के है खुद के रहने के लिए सेपरेट आप जितना फ्लोर बनाएंगे तो सेपरेट रहेगा ओके दोस्तों हम लोग आ गया जो ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया में ओके देखिए दोस्तों इस पोर्शन में आपका सिक्स सीट वाला डाइनिंग सेट आराम से एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों इस वॉल पे जो वॉल है इस साइड में इधर आपका टीवी सेट आराम से एडजस्ट हो जाएगा इस वॉल पे ओके एंड दोस्तों आपका जो और भी पोर्शन है मतलब इधर जो पोर्शन है इसमें आपका दो तीन सोफा सेट एंड टी टेबल सारी आपको एडजस्ट हो जाएगा इस स्पेस में ओके एंड इधर आपका एक विंडो देखने को मिलेगा जिसका साइज़ है फाइव फुट बाई फाइव फुट देखिए बाहर से भी आपका लुक्स देखिए बहुत ही खूबसूरत आपका दिखाई दे रहा है ओके जो आपका ड्राइंग कम डाइनिंग में जो जो चाहिए इस एरिया में सभी कुछ मिल रहा है ओके okay. दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग से आपका जो मास्टर वाला फर्स्ट बेडरूम है वो देखने को मिलेगा तो इस पोर्शन में आपका सिक्स बाय सेवन बेड आराम से एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों इस वॉल पे आपका छोटा सा जो अलमारा है एंड ड्रेसिंग टेबल ये भी आपको एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों इस वॉल पे आपका जो वार्डर है वो भी एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों इस वॉल एंड इस वॉल पे आपका दो विंडो देखने को मिलेगा बाहर से भी देखे इसका जो डिजाइन है बहुत ही सिंपल वाला डिजाइन है एंड इसका जो साइज है वो फोर फुट बाई फोर फुट है ओके देखने को भी सिंपल जैसा ही है ऐसे ही है ओके एंड दोस्तों मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा एंड दोस्तों इस पोर्शन में को एडजस्ट हो जाएगा एंड जो स्पेस मिलेगा सफिशियंट स्पेस है एंड ये जो पोर्शन है आपको वेंटिलेशन देखने को मिलेगा जिसका साइज है दो फुट बाई दो फुट ओके ड्राइंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका किचन रूम दिखाई दे रहा है ये आपका किचन रूम है एंड दोस्तों इस पोर्सन में किचन सिंक के लिए सफिशेंट स्पेस मिलेगा एंड ये जो स्पेस रहेगा स्पेस में आपका किचन सेल्फ के लिए सफिसियंट स्पेस रहेगा एंड जितना भी स्पेस है जो मॉडर्न किचन के लिए चाहिए वो सफिसियंट है ओके okay, एंड इस वॉल पर आपका जो किचन विंडो है ये देखने को मिलेगा एंड बाहर से भी देखिए जो किचन विंडो है उसका साइज है आपका वाइट जो है वो थ्री फुट है एंड इसका जो हाइट है थ्री फुट सिक्स इंच ओके तो हम डाइनिंग से सेकेंड वाला जो स्मॉल चिल्ड्रेन वाला जो बेडरूम देखने को मिलेगा ओके तो ये सिंगल वाला जो बेडरूम है चिल्ड्रेन बेडरूम ये इधर आपका एक बेड मिल जाएगा ओके फोर फुट बाई सिक्स फुट का ओके एंड इधर आपका जो जो आलमारा टाइप का ड्रेसिंग टेबल ये भी मिल जाएगा एंड दोस्तों आपका एक विंडो देखने को मिलेगा जिसका साइज़ है फोर फुट बाई फोर फुट ओके एंड देखिए स्मॉल जो एरिया है इसके लिए सिंगल जो बेड है वो एंड डेकोरेशन जो जो चिल्ड्रेन बेडरूम के लिए है उसी हिसाब से ठीक है दोस्तों ड्राइंग एंड डाइनिंग से कनेक्टेड आपका जो कॉमन टॉयलेट इधर देखने को मिलेगा एंड दोस्तों इस पोर्शन में आपका जो कोमोर है एडजस्ट हो जाएगा एंड इस पोर्शन के आपका वेंटिलेशन मिल जाएगा जिसका साइज है टू फुट बाई टू फुट एंड ये जो स्पेस है ये सफिशेंट स्पेस है जो मॉडर्न टॉयलेट के लिए जो जो चाहिए ओके okay, एंड जो वेंटिलेशन का बाहर से भी देखिए ओके okay. जो आपका सिंपल वाला डिजाइन है यही आपका वेंटिलेशन है ओके okay. एंड दोस्तों ड्राॅइंग एम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका जो थर्ड वाला बेडरूम ये आपका देखने को मिलेगा एंड दोस्तों इस जो पोर्शन है इस पोर्शन में सिक्स फुट बाय सेवन फुट का जो बेड है आराम से एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों इस वॉल में आपका जो वार्डर है ये भी एडजस्ट हो जाएगा एंड दोस्तों ये जो वॉल है एंड इस वॉल पे आपका दो विंडो देखने को मिलेगा एंड दोनों विंडो का आपका साइज है फोर फुट बाय फोर फुट एंड आपका फ्रंट वाला जो विंडो है इसका जो स्टाइल है मॉडल जो डिजाइन है ये भी बहुत खूबसूरत है ओके दोस्तों इस वॉल पे आपका छोटा सा जो अलमारा है ड्रेसिंग टेबल ये भी एडजस्ट हो जाएगा तो टॉप व्यू में प्लान का हम लोग और एक बार देख लेते हैं दोस्तों इधर आपका मेन गेट मिलेगा उसके बाद आपका सेपरेट केस देखने को मिलेगा एंड इसके बाद इधर और एक गेट देखने को मिलेगा एंड ये जो पोर्शन है ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग है एंड ये जो पोर्शन रहेगा ये आपका मास्टर वाला जो फर्स्ट बेडरूम है एंड इसका साथ ही अटैच टॉयलेट देखने को मिलेगा एंड दोस्तों ये जो पोर्शन है ये किचन रहेगा एंड दोस्तों ये जो पोर्शन है ये आपका सेकेंड बेडरूम है एंड चिल्ड्रेन वाला जो बेडरूम है स्मॉल साइज का ओके okay. एंड दोस्तों ये जो पोर्शन रहेगा ये कॉमन टॉयलेट है एंड दोस्तों ये आपका थर्ड जो बेडरूम है ये देखने को मिलेगा एंड दोस्तों ये टोटल आपका एरिया है 720 स्क्वायर फुट का एंड उसके अंदर आपका थ्री बेडरूम मिलेगा एंड जितना कलम है आपका टोटल ट्वेल्व कलम यूज़ हुआ है एंड स्मॉल जो प्लानिंग है खुद के रहने के लिए भी एंड जो रेंट पे देने के लिए एकदम परफेक्ट प्लान है दोस्तों प्लान कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको न्यू बिल्डिंग प्लान चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही चीप रेट में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको न्यू बिल्डिंग प्लान चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा ओके okay. एंड दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात है अभी जो बिल्डिंग प्लान आप लोग देखा ये बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है दोस्तों अप्रोक्स जो अभी थ्री मॉडल में देखा इस बिल्डिंग के कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्स आपको टेन टू ट्वेल्व लाख रुपया खर्चा हो जाएगा क्योंकि आपको भी मालूम है थोड़ा ऊपर नहीं हो सकता है क्योंकि कितना सारा वेराइटीज मटेरियल उपयोग होता है एंड जो बिल्डिंग होगा उसका लोकेशन क्या है उसी हिसाब से थोड़ा नहीं हो सकता है बट ऑल ओवर पकड़ के चलिए ऑल ओवर इंडिया में मैं रेड बोल रहा हूँ टेन लाख टू ट्वेल्व तो लाख रुपीज में कंप्लीट हो जाएगा अभी जो प्लान देखा इस प्लान को मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन किया जाए ओके दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो दोस्तों इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होता है इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है ओके दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय भारत